नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल ऑल इन वन सॉल्यूशन हिंदी में। दोस्तों मैं हूं नीरज आर्य। दोस्तों बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, वीडियो लाइक भी हो रही है, शेयर भी हो रही है, चैनल सब्सक्राइब भी हो रहा है, तो लगभग 85,000 सब्सक्राइबर हमारे हो गए हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिएगा। तो दोस्तों आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हमसे, वो है पशु का बेला दिखाना। बेला यानी कि फूल दिखाना और यूट्रस का बाहर आना, अंग दिखाना, पाछा दिखाना, ये अलग अलग जगह पर देख कहते हैं। जैसे बिहार में जाएंगे तो वहाँ पे बेला दिखाना कहते हैं, और आपका हरियाणा में जाएंगे तो वहाँ फूल दिखाना, पाछा दिखाना कहते हैं। तो अंग निकलना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये समझिएगा। जो पशु की जो बच्चेदानी होती है, यूट्रस होता है, वो बाहर निकलता है, पशु जोर लगाता है। तो इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। पहले हमने आयुर्वेदिक वीडियो बहुत दो बनाई हैं और तीन वीडियो बनाई हैं हमने। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक की, कि होम्योपैथिक की वीडियो जो है हमारी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं और बहुत ही अच्छा उसमें रेस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि होम्योपैथिक दवाई का साइड इफेक्ट नहीं होता बिल्कुल, यह दवाई हानि रहित होती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, और जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के निशान को भी दबाएं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो एक कागज और पेन निकाल लीजिएगा, मैं आपको दवाई बता देता हूं जो है आपकी गाय भैंस का पीछा यानी यूरिन मार्ग से बच्चेदानी का दिखाना। दोस्तों सबसे पहली दवाई है आपकी लिलियम टिग 200। लिलियम टिग 200 पोटेंसी, यानी जैसे एमजी होता है दवाई के अंदर, ऐसे ही इसमें 200 जो पोटेंसी है, पोटेंसी कहते हैं मतलब पावर होती है। तो आपको लेनी है लिलियम टिग 200 की पोटेंसी में, तथा दूसरी दवाई लेनी है आपको सिप्ला 200 की पोटेंसी में लेनी है। इन दोनों के योग को मिला लेना है, मतलब दोनों को मिलाने के बाद 5 से 10 ml, यदि समस्या कम है तो आपको 5 ml दे सकते हैं, 7 ml दे सकते हैं, 8 ml, ज्यादा से ज्यादा आप 10 ml इसको दे सकते हैं। और इसकी दिन की बात करें, मात्रा जो है आपको दिन में 3 बार देनी, यानी सुबह, दोपहर और शाम, 3 दिन तक आपको ये दवा, सॉरी 3 दिन तक नहीं, जब तक ये समस्या ठीक नहीं होती, हालांकि 3-4 दिन में लाभ मिल जाएगा, मगर ये 3 बार आपको ये दवाई देनी है। सबसे पहली दवाई मैंने बताई है लिलियम टिग 200 की पोटेंसी में, दूसरी बताई है मैंने आपको सिप्ला 200 की पोटेंसी में, ये दो दवाइयाँ ले लेनी है, और इसमें से जो है दोनों को मिला लेना है, 1 cc में भर लेना है। मिलाने के बाद 5 से 10 ml पशु को भर के आपको 3 टाइम सुबह, दोपहर, शाम देनी है। 3 से 4 दिन देने से इसे लाभ होगा, और 1 हफ्ते लगातार देने से जो है ये बिल्कुल समस्या ठीक हो जाएगी। बहुत ही असरकारी नुस्खा है, तो आप इसे अपना सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक करके शेयर करके बताएं, और कमेंट करके बताएं वीडियो का जो है रेस्पॉन्स कैसा है बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है आपको, कुछ कमी रह गई है तो दोस्तों इससे कहते हुए मैं आपसे एक बार फिर से अनुरोध करूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और जब भी आपको समय मिलेगा वो आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।